वो एक्सरसाइज फिजिकल एस्पेक्ट है दैट विल बी पार्ट ऑफ इट. सो इट वाज फॉर मी, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव एनकाउंटर. तो उसमें गला भी खुश हो जाता है. सो माय हंबल सजेशन एंड रिक्वेस्ट एंड सबमिशन इज कि अगर आप इसमें नॉमिनल थोड़ा सा वर्ड ऐड कर दें, सो इफ यू कैन गेट सम वाटर और सम टी समथिंग लाइक ताकि वो थोड़ा सा फिजिकल. सो अगर हम ऐसा करते हैं कि आप स्टॉल अगले कोर्स के लिए ना स्टॉल लगा दें, उसमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं जूस पानी हेल्दी चीज़ें. ठीक, जूस डब्बे वाला नहीं अगर रखना है तो फ्रेश रखें ताकि हेल्थ वाइज सारे जी. कोई और सर, सर बहुत अच्छी तरीके से इन्वाइट किया और बड़े ज़बरदस्त सर. मैं पहले अपने फारिग का स्टोरी कहनी चाहिए. मैं बता दूँ तो करीबन 10,000 मैं फारिग कर चुका हूँ. सबसे कोई नॉलेज ऐसा होता है वो प्रैक्टिकल के बगैर अधूरा होता है. एक डॉक्टर किताब पढ़ ले तो वो जब तक पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता तो वो आगे नहीं चल सकता. वेपन भी बिल्कुल वैसे ही. आप जितना मर्जी इसके बारे में पढ़ लेंगे ना और आप देख लेंगे ना, जब तक आप प्रैक्टिकली इसको मसल मेमोरी कहते हैं आप नहीं बनाएंगे, आपको उसका वो नहीं होता. इसके लिए बेस्ट होता है कि आप रिफ्रेशर कोर्सेज पे आते रहें, आप रेंज पे जाके प्रैक्टिस करते रहें. आप ये पूरा एक प्रोसेस है. हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हम रेगुलर रेंज पे जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि हमारी वो चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए.